नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू हो चुका है, जो आप लोग अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर अपने सामने वाले कैफे से आप भर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है कि आप जब भरिएगा कॉलेज जो आपको सेलेक्ट करना है, जो ब्रांच आपको लेना है, तो अगर आपने गलत ब्रांच ले लिया या आपने सही ब्रांच नहीं लिया जो आपको लेना चाहिए था, तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। जी दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं किसी कॉलेज के बारे में, जो मेन मेन कॉलेज है, जो टॉप 10 कॉलेज है, उन लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। उनमें कौन कौन सा ब्रांच है, उनमें प्लेसमेंट कैसा मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं फिर आप एडमिशन लेने चले जाते हैं, बाद में हो सके आपको बहुत ही बड़ा हानि हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपका लाइफ का डिसीजन है, क्योंकि आपने 3 साल इसमें लगाने हैं, पॉलिटेक्निक आपको करना है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों सबसे पहले जो मेन मेन कॉलेज हम लोग का हम जानते हैं, तो सबसे पहला कॉलेज जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा, वो है जीपी आदित्यपुर, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, जो कि कहाँ पे है, जमशेदपुर में स्थित है, टाटा में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला ब्रांच है मैकेनिकल, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है वो मेटलर्जी है। ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जो धातुएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मेटल के बारे में। इस ब्रांच का बहुत अधिक डिमांड रहता है, जैसे फैक्ट्री में, जैसे टाटा में बहुत सारे फैक्ट्री हैं, वहाँ पे इन ब्रांच का डिमांड रहता है, इसलिए यहाँ से आप कर सकते हैं। मैकेनिकल भी बहुत ही अच्छा ब्रांच है, यहाँ से भी आपको बड़े बड़े कंपनियों में आपको जॉब मिलता है, इसलिए ये कॉलेज सबसे नंबर वन पर रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसी कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि ये कॉलेज मिले, और जहाँ से हुए, क्योंकि यहाँ का जो खासियत बात है, यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है। अब प्लेसमेंट लगभग 90% आप बोल सकते हैं, इतना प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है, मतलब 100 में से 90 बच्चों को जॉब मिल ही जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। दोस्तों अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करें, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट लेता है, तो वो है L&T कंपनी, टाटा पावर, जिंदल स्टील और टाटा मोटर, बहुत सारे कंपनी हैं जो यहाँ पे आते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। कैंपस सिलेक्शन भी होता है, आपको घबराना नहीं है। इस कॉलेज में अगर आपको मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कॉलेज का डिमांड बहुत ही अधिक है। दोस्तों दूसरा जो कॉलेज है जिसका डिमांड बहुत ही अधिक रहता है, वो है जीपी धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए इसका भी बहुत अधिक डिमांड रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनी यहाँ पर भी आते हैं, कंपनी का कोई कमी नहीं है यहाँ पर भी, जैसे कि SCC कंपनी जो सीमेंट बनाती है, HCL है, CA टायर जो टायर बनाती है, फिर उषा मार्टिन और बहुत सारे ऐसे कंपनी यहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। जीपी धनबाद जो बहुत ही अच्छा शहर भी है, और वहाँ से आप सही से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम तीसरा जो नंबर पर रहता है वो है जीपी रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची। दोस्तों इसका भी बहुत डिमांड रहता है, क्योंकि तो रांची में स्थित है, और रांची तो सबका एक जैसे कि ड्रीम शहर टाइप से है, जितना भी झारखंड के लोग जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, अभी बाहर के लोग भी, क्योंकि रांची का बहुत अधिक अच्छा लगता है रांची लोगों को, इसलिए यहाँ से भी आप इस कॉलेज का डिमांड बहुत अधिक रहता है। यहाँ पर आप मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये ब्रांच है यहाँ पे, इन ब्रांच से आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कैंपस सिलेक्शन होता है, बस उतना नहीं होता जितना आदित्यपुर में होता है और जितना धनबाद में होता है। यहाँ पे एक दो कंपनियाँ जैसे CA टायर कंपनी पिछला वर्ष आया था, वैसे ही कुछ कुछ कंपनी यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा खास बात है कि नहीं, यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब निकाल ही लेते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इस कॉलेज का। क्योंकि यहाँ के अधिकतर विद्यार्थी को देखिएगा तो JEE में, जो SSC JEE हुआ या फिर RRB JEE हुआ, उनमें ये लोग अपना वैकेंसी निकाल लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ज़्यादातर आप देखिएगा तो ज़्यादातर जूनियर इंजीनियर जो हैं वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से हैं, इसलिए आपको अगर सरकारी का क्रेज है, आपको सरकारी जॉब करना है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों चौथा नंबर पर जिस कॉलेज का डिमांड अधिक रहता है वो है जीपी निरसा धनबाद। दोस्तों इस कॉलेज का बहुत अधिक डिमांड रहता है, बच्चे यहाँ पे जाने के लिए व्याकुल होते हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, इसमें डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है, बस आपको बहुत ही अच्छा वर्कशॉप मिलेगा, बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा वहाँ पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में इतना मिलता नहीं, लेकिन यहाँ फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, इसलिए बच्चे यहाँ का बहुत अधिक मतलब यहाँ एडमिशन पाना चाहते हैं। यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग बहुत ही अच्छा ब्रांच है, क्योंकि माइनिंग अगर आप खनन उद्योग, क्योंकि जितना भी सामान बन रहा है, जैसे कोई भी धातु बन रहा है, तो पहले ज़मीन से निकाला जाता है ना, तो वो जो उद्योग है उसमें बहुत अधिक डिमांड रहता है, इसलिए माइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। माइनिंग बहुत ऐसा ब्रांच है जो बहुत ही कम कॉलेज में होता है झारखंड में। प्लस यहाँ पर सिविल ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
दोस्तों पाँचवा नंबर पर जो सबसे अधिक डिमांड में रहता है होता है वो है GWP रांची। दोस्तों ये गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स में बहुत ही अधिक इसका डिमांड रहता है क्योंकि रांची में एक्चुअली है, क्योंकि रांची में तो सबको रहने मन करता है। साथ साथ यहाँ पे आप लोग कौन कौन से ब्रांच कर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब ब्रांच से आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी मतलब प्लेसमेंट मिलता है, जैसे कि विप्रो कंपनी यहाँ पर आया था, फिर सीए टायर कंपनी यहाँ पर आया था। साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चियाँ होते हैं वह भी गवर्नमेंट का बहुत अधिक तैयारी करते हैं, क्योंकि रांची में गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा क्रेज रहता है। बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग भी संस्थान भी मौजूद हैं जहाँ से आप सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जो छठवां कॉलेज जो बहुत ही अधिक डिमांड पर रहता है वो है अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों ये टाटा में स्थित है, यानी जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों ये एक प्राइवेट कॉलेज है और जिसका बहुत ही अधिक डिमांड रहता है, क्योंकि यहाँ का जो ब्रांड है वही बहुत ही अधिक विद्यार्थी को खींचता है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सीखते हैं, क्योंकि वहाँ वर्कशॉप बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बस यहाँ पे प्राइवेट है, आपको पैसा अधिक लगेगा, बस इतना ही इसका है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैकेनिकल ब्रांच से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांच से आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ का सुविधा और यहाँ का जो फैसिलिटी है, जो कि यहाँ का एजुकेशन है, वो बहुत ही एक नंबर का है, इसलिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। दोस्तों अगर हम सातवां नंबर पर बात करें तो वो भी एक प्राइवेट कॉलेज है और वो है KK पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। दोस्तों ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर भी आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, माइनिंग इत्यादि ब्रांच से आप क्या डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेसमेंट हुए थे वो जैसे कि महिंद्रा कंपनी यहाँ पर आया होता है, सीएट टायर कंपनी आया था, इरिक्सन कंपनी आया था, इन्फोटेक कंपनी आया था, ऐसे बहुत सारे कंपनी यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों ये इस कॉलेज में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम आठवां कॉलेज की बात करते हैं वह GP कोडरमा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा ब्रांच है कि माइनिंग, आप माइनिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे खासियत बात है कि इस कॉलेज में माइनिंग है, जो बहुत ही कम कॉलेज में झारखंड के अगर माइनिंग की बात करें तो, क्योंकि माइनिंग से ही बहुत सारे जो खनन उद्योग है उन लोग निर्भर करता है, इस ब्रांच वाले बच्चों को बहुत अधिक लेता है। दोस्तों यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छा अच्छा जॉब पाते हैं, जैसे कि NCL में पाते हैं, जो कॉल नॉर्दर्न कॉल लिमिटेड, फिर CCL, BCCL, इन सारे कंपनी में यहाँ के विद्यार्थी जॉब पाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा ब्रांच है, आप माइनिंग से कर सकते हैं। यहाँ का कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों दसवां नंबर पर है वह XIPT रांची, जेबीएल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक रांची। दोस्तों ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, क्योंकि ये जेबीएल का कॉलेज है, क्योंकि जेबीएल का बहुत ही अलग ही एक रुतबा है यहाँ पे। दोस्तों अगर हम जेबीएल की बात करें तो यहाँ पे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पिछले साल कंपनी आया था, जैसे आया था टाटा पावर आया था, टाटा स्टील आया था, रॉकी कंपनी, सोलर कंपनी जो होते हैं वह यहाँ पे आते हैं, प्लस ऑटोमोबाइल जो कंपनी होते हैं वे लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको झारखंड के जो प्रमुख पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके बारे में बताया, उनमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं इसके बारे में बताया, और उनमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कितना संभावना होता है कि आप उस कंपनी में जॉब पा सकते हैं या किसी करियर में जॉब पा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो अभी काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।